हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्कार मंडळी, कसे आहात? सुरक्षित आहात ना? आपल्याला माहित आहे कोरोनाचा हा भयंकर विषाणू सर्वत्र पसरला आहे आणि या विषयावर चर्चा तर करायलाच हवी, म्हणून आज विज्ञान नाट्य महोत्सवानिमित्ताने आम्ही सादर करत आहोत एक सुंदरसं नाटक, ज्याचं नाव आहे कथा लसीकरणाची। कथा लसीकरणाची ऐका हो, ऐका ऐका हो, ऐका माझ्या गावकऱ्यांनो आणि माझ्या देशवासियांनो, ऐका हो ऐका, आपण हे युद्ध अनुभवतो, युद्ध। युद्ध कोणी पुकारले? युद्ध पाकिस्तानने की चीनने की अमेरिकाने? युद्ध युद्ध युद्ध, ते जागा हो, ते जागा हो, ते जागा हो। हे युद्ध कुणा देशाने नाही पुकारलं, हे जागतिक युद्ध आहे मित्रांनो। युद्ध आहे का कोरोना विषाणूशी, जागतिक महामारी कोरोनाशी। अरे दार उघड भाऊ, अरे दार उघड भाऊ, अरे दार उघड भाऊ। मी नाही उघडणार दार, बाहेर कोरोना नावाचा महिषासुर बसलेला आहे ना। तुझे घरात बसून कसं काय चालणार? मी तर एक साधा माणूस, मी काय करणार? तू एक साधा माणूस आहे, पण तू एक मोठा माणूस असून छोट्या विषाणूला का घाबरतोस? मचल की मग। अरे थांब थांब, आधी तोंडाला मूक पट्टी लाव। काय? अरे मूक पट्टी म्हणजे मास्क लाव। म्हणतो ना वासुदेव आला, वासुदेव आला, गीताचं सांगायला वासुदेव आला, वासुदेव आला, वासुदेव आला, गीताचं सांगायला वासुदेव आला। योगा ध्यान धारणा कपाल भारतीने तुमचे शरीर होईल बळकट आणि तुम्हाला मिळेल स्फूर्ती आणि शक्ती, म्हणून म्हणतो तुम्ही योगा करा व सुरक्षित राहा। म्हणूनच म्हणतो ना वासुदेव आला, वासुदेव आला, गीताचं सांगायला वासुदेव आला, वासुदेव आला, वासुदेव आला, गीताचं सांगायला वासुदेव आला। अरे वासुदेवा, बघ 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 कोण आलाय? मुंबईतून माझा राजा आलाय, राजा। अरे थांब थांब थांब, मुंबईतून आलास ना, क्वारंटीन झालास की नाही? हो, 14 दिवस क्वारंटीन होऊन आलोय। हो का? अरे अजून महिनाभर राह क्वारंटाईन, कोरोनाचे काही नियम वगैरे पाळलेत की नाही? पाळलेत ना। यात दोष गावकऱ्यांचाही नाही आणि मुंबईकरांचा नाही, यात दोष आहे आलेल्या परिस्थितीचा। म्हणून म्हणतो स्वतःची काळजी घ्या आणि लोकांना समजून घ्या। आणि मंडळी, आपल्याला रोगाशी लढायचं आहे, रोग्याशी नाही। म्हणूनच म्हणतो ना वासुदेव आला, वासुदेव आला, गीताचं सांगायला वासुदेव आला, वासुदेव आला, वासुदेव आला, गीताचं सांगायला वासुदेव आला। मित्रांनो, तुम्ही त्यांचं काय ऐकू नका, मात्र घरातून निघताना मास्क आणि सॅनिटायझर सोबत ठेवा। पाहिलं का मित्रांनो, जगामध्ये कोरोनाचा कहर झाला आहे, लोकांमध्ये कोरोनाविषयी गैरसमज झाला आहे, लोकांमध्ये कोरोनाविषयी भीती निर्माण झाली आहे। असे किती दिवस चालणार? कोणताही आजार म्हटलं की त्यावर औषध किंवा लस असतेच,
म्हणून जगातील सर्व शास्त्रज्ञांनी रात्रंदिवस मेहनत करून कोरोना विषाणूशी लढण्यासाठी लस शोधले आहे आणि ती लस घेण्यासाठी ठिकठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करून लोकांचे उद्बोधन केले आहे आणि त्यात आमचाही सहभाग आहे। चला तर मग आता नाटकाचा उर्वरित भाग पाहूयात। बापूजी शेठ जी काय आहे ना अभी तक असे आहे का? तरके वाला छुपा बैठा होगा। अरे नहीं, कल रात उसे बुखार आया था और ठंड भी लग रही थी इसलिए वो नहीं आया। अच्छा, ये है शानदार का ब्रह्मास्त्र इसलिए उसने नाटक किया। शानदार का आज कोई नाटक काम नहीं करने वाला। बुखार की वजह से श्याम भाई वैक्सीन नहीं लगवा सकते। चलो कोई बात नहीं, सुबह के 8 बज गए, वैक्सीन महोत्सव का शुभारंभ करते हैं। चलो चलो, वैक्सीन महोत्सव का शुभारंभ हम गणेश वंदना से करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। चलो वैक्सीन महोत्सव का शुभारंभ हम आदरणीय बापू जी से करते हैं। उससे पहले मेरा सबसे निवेदन है कि जिनका पहला और दूसरा डोज बचा है वो आकर वैक्सीन महोत्सव में टीका लगवाए और हमारा वैक्सीन महोत्सव सफल करे और अपना आधार कार्ड रेडी रखिए। रुकिए रुकिए दादाजी, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दादाजी बहुत स्ट्रांग है पर वो इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, पर उन्होंने वैक्सीन की जिम्मेदारी और फर्ज डरते हुए भी वो वैक्सीन ले रहे हैं। बापूजी आपका आधार कार्ड दीजिए। ये लो। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। राजू तुम भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ चलो दादाजी। सुनो मेरे बंधु, सुनो मेरे प्यारे, सुनो लो अंकल, सुनो लो आंटी, अरे सुनाता जा रे और सबको बता दे, खुद को लगा ले टीका और को लगा दे टीका, टीकाकरण है जरूरी उससे रहो ना तुम दूर। कहना है क्या वो अब्दुल? वो क्या है, मैंने ऐसा सुना है कि
कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, ठंड बढ़ती है और बदन भी दर्द करता है। और आपको तो पता ही है ना कि मेरे घर कोई नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होगा, हमें ना तुम्हारे साथ। और हाँ, मैंने ऐसा भी सुना है वैक्सीन लेने के बाद ऐसा होता है वैसा होता है। अरे अब्दुल, ऐसे अफवाहों पर विश्वास मत कर। हमारे देश में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके वैक्सीन बनवाई है और ये वैक्सीन बहुत सेफ है। तुम टेंशन मत लो, वैक्सीन ले लो। डॉक्टर साहब, आप आग बंद कर वैक्सीन दे दो। सॉरी सॉरी अब्दुल, तुम आग बंद कर वैक्सीन ले लो। डॉक्टर साहब, आप आग खोल कर वैक्सीन दे दो। कोविड का समय है, ना करो मनमानी, वैक्सीन लेने में तुम ना करो आनी। कोविड से लड़ने का यह बड़ा हथियार, टीकाकरण करने जब जाओ बाहुबली मेरे यार। तो फिर सुनो, दो गज की है दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। दो गज की है दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। कोरोना का टीका लगाओ, टी 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 टीका लगाओ। कोरोना का टीका लगाओ, टी 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 टीका लगाओ। कोरोना का टीका लगाओ, टी 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 टीका लगाओ। कोरोना का टीका लगाओ, टी 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 टीका लगाओ। कोरोना का टीका लगाओ, टी 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 टीका लगाओ। कोरोना का टीका लगाओ, टी 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 टीका लगाओ। कोरोना का टीका लगाओ, टी 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 टीका लगाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप किसी को कुछ तकलीफ या कुछ फील नहीं हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि सिर्फ श्यामलाल को छोड़कर बाकी सब लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। श्यामलाल को बुखार ना आता तो उसका भी वैक्सीनेशन हुआ था। नहीं डॉक्टर भाई, अफसोस करने की कोई बात नहीं है। श्यामलाल को वैक्सीन लगेगा और आज ही लगेगा। क्या क्या क्या? श्यामलाल इंजेक्शन से डरता है, इसलिए वो वैक्सीन लेने नहीं आया। चलो हम सब मिलकर श्याम भाई के घर चलते हैं और श्याम भाई का इंजेक्शन का डर भगवाते हैं। चलो 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 चलो। श्याम भाई, आपको क्या तकलीफ हो रही है? बुखार सा लग रहा है और ठंड लग रही है। अच्छा, ये कब से हो रहा है? कल रात से। श्याम, तूने तो कहा था कि आज रात से हो रहा है। वो आज रात मतलब कल रात हुई ना बापूजी। अच्छा जाने दो, आपने दवाई ली है? श्याम ने कल रात दवाई ली थी पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। श्याम भाई, आपने दवाई ली, आपको दवाई ले से फर्क नहीं पड़ा तो आपको तीन इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। नहीं, मैं तीन इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अरे श्यामलाल, इंजेक्शन का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह पे तो 12 बज गए। श्याम भाई, ऐसी बीमारियों के लिए कभी कभी तीन नहीं, 6 नहीं, पूरे 12 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। नहीं, मैं इतने इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। डॉक्टर भाई, तुम शाम को इंजेक्शन दे दो। ठीक है। चलो शाम भाई। चलो शाम भाई, रेडी? डॉक्टर भाई जरा 2 मिनट रुकिए।
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, वो बड़ी इंजेक्शन से बचना है तो छोटा इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर तो ठीक है डॉक्टर साहब, श्यामलाल वैक्सीन लेने के लिए तैयार है, तो फिर इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। पापा जी, आप इंजेक्शन से डरते हो? नहीं नहीं। चलो चलो। नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं। श्याम भाई, हो गया? हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। पाहिलं का मित्रांनो, तुम्हीही कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका व लसीकरण करून घ्या व सुरक्षित राहा। या करोना लसीकरण लावा, करोनाला पळवून। या करोना लसीकरण लावा, करोनाला पळवून। ये मात्र तुम्ही लाखात एक बोलला। पटला तर ना तुम्हाला? हो पटला।